एब्डोमेन, ठीक है। और हाँ, पाल्पेशन में कफ करो, नहीं नहीं कुछ भी फील नहीं हो रहा है, हर्नियल साइड पे कफ करो, नहीं नहीं फील हो रहा है, नहीं फीमोरल भी नहीं, इंग्वाइनल भी कुछ भी नहीं, चलो ठीक है। अभी परकशन, तो परकशन में देखो उंगली को ना वर्टिकल रखना है ना, इसका मैं रीजन बाद में बताऊंगी, लेकिन उंगली को क्या करना है, अभी ऐसे नहीं रखना है, वर्टिकल रखना है, क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, है ना, अम्बिलिकस के आसपास। तो ये कौन सा साउंड है, टिम्पैनिक, क्योंकि वो ने खाया नहीं ना बेचारे ने, 2 घंटे से हमारे सब्जेक्ट को हमने पकड़ के रखा है, खाना नहीं खाने दिया, तो अभी ना तो स्टमक में कुछ है ना तो इंटेस्टाइन में कुछ है, दिस इज अ रियली वेरी गुड साउंड ऑफ टिम्पैनिक, बराबर, दिस इज अ टिम्पैनिक। और मैं आपको डल भी बताती हूं, दिस इज डल, दिस इज टिम्पैनिक। तो अभी मैंने आपको डायरेक्ट में आपको क्या हॉर्सशू शेप का डलनेस बता देती हूँ, है ना। तो परकशन कर लिया, जनरल ऑल ओवर परकशन में साउंड इज व्हाट, टिम्पैनिक, बिकॉज ऑफ एम्प्टी इंटेस्टाइन, लेकिन बहुत ज्यादा तबले की जैसा बज रहा है तो इट इज हाइपर इन्फ्लेटेड, तो गैस ज्यादा है ना, पर अभी तो क्या है, ये नॉर्मल है। तो हॉर्सशू शेप डलनेस यानी क्या, कि एसआईडीज का साइन है, तो एसआईडीज का साइन में क्या है, फ्लूइड फील, शिफ्टिंग डलनेस और हॉर्सशू शेप। तो भाई बाकी सब वीडियो में तो फ्लूइड फील और वो सारा अच्छा बताया है, पर हॉर्सशू शेप में लोग गलती कर रहे हैं। तो बात क्या है कि पानी इतना बढ़ गया है कि नीचे की ओर पानी है एब्डोमेन में, ओके, और बछड़े पानी के ऊपर फुगा देने का ना, तो इंटेस्टाइन एंड वो सब कहाँ है, इधर बीच में, ऊपर की ओर कहते हैं ना, इससे बीच में आगे। तो अभी प्रिंसिपल क्या है कि अम्बिलिकस से हम कहाँ जाएंगे, लैटरल, तो टिम्पैनिक, 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 क्योंकि कहीं पे भी फ्लूइड नहीं है, टिम्पैनिक, 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 है ना। तो 6 दिशा में हमको करना है, अम्बिलिकस टू लंबर, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, एक दिशा हो गई, अम्बिलिकस टू कॉन्ड्रियाक, राइट कॉन्ड्रियाक, लेफ्ट कॉन्ड्रियाक, है ना, अम्बिलिकस टू एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकस टू, तो ऐसे करके हम जब सभी दिशा में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर फ्लूइड है तो हमको सभी जगह पे क्या मिलेगा, एक एक इकरा पेन, ये रही, अगर फ्लूइड है तो हमको सब जगह पे क्या मिलता है, एक इमेजिनरी पॉइंट ऑफ डलनेस, है ना, क्योंकि फ्लूइड कहाँ है, नीचे, और वो कहाँ पे है, तो ये बन गया यू शेप, तो इसको बोला हमने हॉर्सशू शेप ऑफ डलनेस, बीच में टिम्पेनिक और बाकी का जो पट्टा है वो क्या है, फ्लूइड की वजह से डल, बराबर। ये जो एक एक, 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 एक वीडियो में बताया ना, वो बहुत गलत है कि ऐसे ऐसे तुम यू शेप में करते जाओ और डल हो गया, वो बहुत ही गलत मेथड है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अम्बिलिकस से कहाँ जाना है बेटा, बाहर की ओर, क्लियर। अभी हम क्या ले रहे हैं, फ्लूइड थ्रिल, तो आप अपना हाथ इधर रखो ऐसे, फ्लूइड थ्रिल में कैसे रखे बेटा, अम्बिलिकस के नीचे, है ना, ओके। तो मैं पहले इधर मारूंगी, है ना, इकरा फील इधर करूंगी और मार कर रही हूं इधर, ये एब्डोमेन दिख रहा है, वहां से दिख रहा है, मैं मार रही हूं, ऐसे मारना, देखो मैं ऐसे मार रही हूं, तो अगर फ्लूइड है तो वाइब्रेशन मेरे को इधर फील होगी, तो नहीं नहीं हो रही है फील। अभी मैं क्या करूंगी, इधर फील करूंगी और इधर मारूंगी, दोनों जगह देखने है ना मेरे को, ये भी बायलैटरल है, नहीं हो रही है ना फील, तो फ्लूइड फील नहीं है, पेट में फ्लूइड नहीं है। अभी शिफ्टिंग डलनेस, तो पहले क्या करूंगी मैं, पेशेंट सो रहा है, तो ये टिम्पैनिक, ये टिम्पैनिक, ये टिम्पैनिक, और ये आ गया डल। अभी पेशेंट को ना दूसरी साइड कर दो, आप इस तरफ हो जाओ, तो पूरा हो जाओ, आपको पूरा घूमना पड़ेगा। अभी पेशेंट को ये पोजीशन में 1 मिनट रहने दो, बराबर। अभी क्या होगा, फ्लूइड नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना फ्लूइड, तो अभी क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे जो अम्बिलिकस के ऊपर जो पहले टिम्पैनिक था फ्लूइड की वजह से, अभी वो क्या हो जाएगा, डल। और यहाँ पे तुमने जो मार्क किया था वो पॉइंट, अभी क्या हो जाएगा, वहां पे क्या गए, इंटेस्टाइन, तो डल हो जाएगा टिम्पैनिक। तो जो डलनेस पहले सेंटर में थी, जो डलनेस पहले इधर थी, वो अभी क्या चली गई, नीचे। इकरा ये क्यों कर रहे हैं हम बेटा, शिफ्टिंग डलनेस क्यों कर रहे हैं, वो भी वो तो देख लिया ना हॉर्सशू शेप, उसमें भी आ गया, फ्लूइड थ्रिल में भी आ गया कि भाई फ्लूइड तो है, अलग से शिफ्टिंग डलनेस क्यों कर रहे हैं, टीचर को टाइम पास करने की आदत है। शिफ्टिंग डलनेस से पता चलेगा जो डलनेस है वो फ्लूइड की वजह से है, क्योंकि डलनेस ट्यूमर के वजह से भी हो सकता है, डलनेस फीसिस के वजह से भी हो सकता है ना, आप समझे। तो ये डलनेस इज बिकॉज ऑफ फ्री फ्लूइड, तो फ्री फ्लूइड
फ्लूइड या तो एसआईटिस होगा या तो वो खून भी हो सकता है ना, आप समझ रहे हैं। फ्री फ्लूइड कैन बी अ पस ऑल्सो, समझ रहे हो। तो जो डलनेस इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड वो कौन साबित करेगा, शिफ्टिंग डलनेस। अभी ये मुझे किसने बताया, कॉमन सेंस भगवान ने अभी बताया तुमको सिखाते टाइम कि बच्चों को कुछ अच्छा सिखाओ, कितनी मेहनत कर रहे हो तो, है ना, ये कॉमन सेंस है। तो टेक्स्ट बुक में मिलना मुश्किल है, पोज मारा है ना इकरा।